वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग आउटकम इस लर्निंग आउटकम में बहुत कुछ होने वाला है एंड दिस इज अ प्योरिफुल लर्निंग आउटकम यहां पे हम सीखेंगे अबाउट एनुअलाइजिंग अवर रिटर्न यानी कभी भी कभी भी कोई रिटर्न आपको डेली फॉर्म में दिया हुआ है वीकली फॉर्म में दिया हुआ रहा है या फिर मंथ फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको हम एनुअलाइज कैसे करते हैं यानी परसेंटेज पर एनम पे कैसे लेके आते हैं यह हमें सीखना है ये सीखते हैं सो नंबर वन यहाँ पे एनुअलाइज करने के लिए रिटर्न को कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जिसमें अगर आपको किसी भी रिटर्न को परसेंटेज पर एन में लाना है तो आपको सबसे पहले ये देखना है है कि ऑलरेडी वो रिटर्न किस बेसिस पे दिया गया अगर वो डेली बेसिस पे दिया गया है देन दैट केस यू कैन डू यू कैन जस्ट गो ऑन टू कैलकुलेट द दर रिटर्न करेक्ट एंड पावर में उसके लगाइए थ्री सिक्सटी फाइव बाई एन माइनस वन तो अब ये होगा कैसे वर्क कैसे करें मैं समझा रहा हूं अगर सपोजिटली टू सिक्सटी डेज का आपको रिटर्न दिया हुआ है एंड दैट इज इक्वल टू टेन परसेंट अगर मैं आपको पूछूं कि इसका पर एनम क्या होगा तो आप कैसे कंप्यूट करोगे तो पावर तो में जाएगा थ्री सिक्स बाई एन एन इज टू पावर में जाएगा 365 डिवाइडेड बाय 260 एंड फाइनली इसमें से हम माइनस वन करेंगे सो दैट वे हम इसको एनुअलाइज कर पाएंगे पावर में यहाँ पे होगा

टेक दैक्टर एंड देन मल्टीप्लाई सॉरी पावर में डालो टोटल नंबर ऑफ वीक्स इन विच इज फिफ्टी टू डिडेड बनेगा जिससे अपना वीकली रिटर्न भी निकल जाएगा क्लियर ओके यहाँ पे एक लिमिटेशन है एनुअलाइजेशन करते वक्त वो लिमिटेशन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं लिमिटेशन यह है कि यहां पर हम ये अज्यूम करते हैं दैट वी विल बी एबल टू रिपीट अवर रिटर्न प्रिसाइसली इसका मतलब इसे मतलब यह है कि अगर मान लो किसी क्वार्टर में आपको टू परसेंट रिटर्न मिला है और आप उसको एनवलाइज कर रहे हो रिटर्न को तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हो कि इस क्वार्टर जैसे हम दो परसेंट कमाए हम अगले क्वार्टर में भी अगेन टू परसेंट ही कमाएंगे उसके अगले क्वार्टर में भी टू परसेंट कमाएंगे एंड फाइनल क्वार्टर में भी टू परसेंट कमाएंगे नाउ दिस कुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस अजम्पशन टू मेक क्योंकि इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है करेक्ट बट ठीक है जो अजम्प्शन है सो so है इट इज अ लिमिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल इस चीज को अगर वापस से समझना है तो ऐसे भी समझ लो जैसे 260 डेज में यू मेड अ रिटर्न ऑफ 10 परसेंट करेक्ट सो व्हाट इज द गारंटी दैट इन द नेक्स्ट टू डेज ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिटर्न गारंटी तो नहीं है क्योंकि गारंटी नहीं है इसीलिए यह एक लिमिटेशन बन जाता है इस पूरे मेथड का जहां पे आप रिटर्न्स को एनवलाइज तो कर रहे हो बट यू आर इनहेरेंटली आल्सो अज्यूमिंग दैट यू विल बी एबल टू रिपीट योर परफॉर्मेंस व्हिच मे नॉट बी ट्रू एज वेल इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंपल एग्जाम्पल्स हैं जैसे पहला है 4.61 परसेंट का रिटर्न है इन 126 डेज वी वुड लाइक टू एनालाइज दिस दिस अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज फॉर दिस टेक द फैक्टर सो फैक्टर विल बी 1.0461 पहले तो फैक्टर समझ लो देखो भाई 4.61 परसेंट को हम लिखते हैं 0.0461 क्यों आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लो फोर को डिवाइड बाई हंड्रेड करके देख लो यू विल गेट दिस वैल्यू फिर इस वैल्यू में हम वन प्लस करेंगे क्योंकि क्योंकि हमें फैक्टर बनाना है, है, सो इट विल बिकम इसकी पावर में हम यूज करेंगे 365 क्योंकि ये डेज का मामला एंड देन वी विल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ डेज इज गिवन मेरे साथ साथ फॉलो कीजिएगा प्लीज फॉलो दीज ओके सबसे पहले टाइप कीजिए 1.0461, टाइप कीजिए 1.0461. पॉइंट जीरो फोर सिक्स वन यू हैव टाइप दिस प्लीज प्रेस द बटन वाई टू द पावर एक्स वाई टू द पावर एक्स प्लीज बटन प्रेस कीजिए एक बार वंस यू हैव डन दैट ओपन द ब्रैकेट सो ब्रैकेट ओपन कीजिए देन प्रेस 365, 365 आप इंसर्ट करें फिर एक बार डिवाइड कीजिए डिवाइड प्रेस कर दीजिए एंड देन राइट डाउन वन 126 फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए ब्रैकेट बंद वंस यू हैव डन दैट तो अब आपने क्या किया 1.0461 में पावर जो x था उसको डिफाइन किया as 365/126 नाउ अब बचा ही क्या है इक्वल टू प्रेस करो रिजल्ट मिल जाएगा फाइनल इक्वल टू किया द रिजल्ट इज 1.1395 इसमें से 1 माइनस कर दो इट बिकम्स 0.1395 इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट थर्टीन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट फर्स्ट का आंसर आ चुका है सेकेंड वाला कैसे होगा ऐसे ही सिमिलर ग्राउंड पे हो जाएगा टू वन टू दावर फिफ्टी टू वीक्स by five weeks, वीक्स is इज ऑलरेडी गिवन इन question. सेम तरीके से ये सॉल्व होगा एंड फाइनल वन वाला होगा 1.1220. पॉइंट वन एंड पावर में होगा 12 by 15. कैसा हो सकता है हाँ हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है हर बार न्यूमरेटर ही पावर का बेटर होना चाहिए या बिगर होना चाहिए ऐसा एकदम भी जरूरी नहीं है इट कैन बी 12 बाई 15 देयर इज नो हार्म इन दैट करेक्ट वंस यू डू दैट इसका भी रिजल्ट निकल जाएगा द रिजल्ट इज 9.65% 9.65% इज योर रिजल्ट फॉर द थर्ड वन क्लियर चलो नेक्स्ट पीस कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रिटर्न वैसे जस्ट इन केस आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग कि थोड़ा सा समय आपको इसके लिए चाहिए आप वीडियो को बेशक पॉज कीजिए डू ऑल दैलकुलेशन डोंट मूव डोंट रश अपनी कैलकुलेशन खुद से कीजिए कैलकुलेटर के साथ दोस्ती कीजिए एंड प्लीज कैलकुलेट दिस ऑफ योर ओन ऑन योर ओन एंड देन प्रोसीड ठीक है ना वीडियो को बाद में प्रोसीड करें फाइनल टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम इज कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न कंटिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न काफी इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट है जहां पे आप लॉग टेबल्स को यूज करते हैं एक्सपोनेंशियल को यूज करते हैं ठीक है सो so, यहां पे क्या होता है यहां पे आप ये जानते हैं कि आपकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न कोर्ट दी गई दी जाएगी बट दैट विल कंटिन्यू टू कंपाउंड एवरी मोमेंट हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन सिंपल है मैं समझाता हूं सपोज करो आपको टेन परसेंट रिटर्न मिलता है कहीं पे ठीक है एंड इट एज बिन सेड द रिटर्न कंपाउंड एनुअली तो इसका मतलब क्या होता है अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने हंड्रेड रुपीज इन्वेस्ट किया डे जीरो पे तो आपको इंटरेस्ट टेन रुपीज का मिलेगा वन पे जाकर के यानी साल कंप्लीट होने के बाद पर यही अगर सेमी एनुअल होता तब क्या होता सेमी एनुअल होने पर हंड्रेड रुपीज पे टेन परसेंट पर है ना मैं ना तो फाइव रुपीज आपको मिलते छह महीने बाद और नेक्स्ट फाइव रुपीज मिलते अगले छह महीने के बाद साउंड लाइक फन ना करेक्ट अगर ये क्वार्टरली होता देन यूट टू पॉइंट हो जाता आपका पेमेंट डिपेंडिंग ऑन योर कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी बट एज अ थिंग कंपाउंडिंग आपको पता है एक साल के बीच में मल्टीपल टाइम्स हो सकती है इतने टाइम्स जितने टाइम आप गिन भी नहीं पा रहे हो क्लियर यानी कि उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड इट इज नॉट कंपाउंडेड डेली इट इज नॉट कंपाउंडेड वीकली इट इज नॉट कंपाउंडेड मंथली बट इट इज कंपाउंडेड एवरी मोमेंट नो देर माइट बी सो मेनी मोमेंट्स इन योर हम कैसे पता करें इसको कैसे हम एनुअलाइज करें एंड फॉर दैट रीजन वी आर गोइंग टू यूज एक्सपोनशियल और लॉग नॉर्मल टेबल्स तो यह कैसे टेबल यूज होगा बहुत सिंपल है हमें तो ज्यादा साइंस में अभी नहीं जाना है हमें इसके पीछे के प्रूफ में नहीं जाना हमें सिर्फ कैलकुलेट करना सीखना है कि हाउ डू वी कैलकुलेट कंटिन्यूस रेट ऑफ रिटर्न इफ यू होल्ड एन इन्वेस्टमेंट फॉर अर तो ये बहुत सिंपल है आपको यह देखना है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको रिटर्न क्या मिल रहा है ठीक है आपको जो भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न मिल रहा होगा उसका ही फैक्टर बना लीजिए एंड देन फिर उसका लॉग नॉर्मल कैलकुलेट कर लीजिए

कैलकुलेटर पे चलो प्रेस करो 200 डिवाइड करो 180 से एंड इक्वल टू प्रेस कर दो जैसे आपने इक्वल टू प्रेस किया योर रिजल्ट इज 1.11111 करेक्ट बहुत सारे 1111 तो आपका 200 हंड्रेड डिवाइड बाई वन का काम तो हो गया सो यू हैव डन पी वन बाई पी जीरो अब आपको क्या करना है इसके आगे लॉग नॉर्मल बैठाना है वो बैठाना आसान है जो भी आपका रिजल्ट आया उसके बाद एल का बटन प्रेस कर दीजिए जो भी आपका रिजल्ट आया उसके बाद एल का बटन प्रेस कर दीजिए जैसे आप एल का बटन प्रेस करेंगे द रिजल्ट विल बी वैसे आ रहा है जीरो पॉइंट फोर बट दैट इज इक्वल इन टू टेन पॉइंट फाइव फोर परसेंट ये एग्जाम्पल आपकी शीट में नहीं लिखा हुआ होगा आई हैव एडेड दिस लेटर करेक्ट इतना बड़ा भी एग्जाम्पल नहीं है जो आप लिख नहीं सकते सो जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू राइट दिस डाउन प्लीज राइट डाउन ज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट कंटिन्यूस रेट ऑफ रिटर्न एंड अगेन इस पर भी सवाल आएगा इट इज वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट एंड फार्मुले दो है याद रखियेगा द फर्स्ट फार्मला इज वन प्लस एचपीआर एंड देन एल एन एंड सेकेंड वन इज पी वन बाई पी जीरो एंड उसका एल एन दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं ठीक है ना दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे इट जस्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट कि एग्जाम में क्या दिया और क्या नहीं दिया क्लियर परफेक्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे कुछ है ही नहीं ओके दिस लर्निंग आउटकम इज ऑल्सो कंप्लीट ये काफी जल्दी हुआ ये लर्निंग आउटकम बट आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा इसमें इस लर्निंग आउटकम में हमने काफी कुछ सीखा है वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट वेरियस इंटरेस्ट रेट्स जहां पे हमारे पास में या तो डेली या तो मंथली या तो वीकली इंफॉर्मेशन रहेगी एंड वी लर्न टू एनुअलाइज दिस हमने एनुअलाइजेशन का लिमिटेशन भी सीखा एंड लास्ट में मैंने आपको कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न भी कैलकुलेट करना सिखाया यूजिंग Correct? So that was it for this learning outcome. I'll see you in the next one.